हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूफ ट्रस के बारे में। रूफ ट्रस का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रूफ ट्रस क्या होता है और इसके जो कंपोनेंट्स है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार आपको कंपोनेंट्स के बारे में पूछ जाता है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, किसका क्या नाम है और उसके कुछ स्पेसिफिकेशन हैं, तो उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो रूफ ट्रस के टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। रूफ ट्रस, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कि ऐसा ट्रस जो कि रूफिंग के लिए यूज किया जाए। रूफिंग के लिए हम लोग यूज कब करते हैं? जनरली तो कंक्रीट का स्ट्रक्चर आजकल यूज होता है, कंक्रीट यानी कि जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं, लेकिन रूफ ट्रस वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर स्पैन जो है लार्ज हो। स्पैन क्या हो? लार्ज हो, यानी कि ग्रेटर स्पैन हो। तो विदाउट इंटरमीडिएट कॉलम, विदाउट इंटरमीडिएट कॉलम लार्ज स्पैन को अगर हमें कवर करना होता है, विदाउट इंटरमीडिएट कॉलम लार्ज स्पैन को अगर हमें कवर करना होता है तब हमें ज़रूरत पड़ती है रूफ ट्रस का। ठीक है, जैसे कि कोई फैक्ट्री देख लेते हैं, कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग देख लेते हैं, तो वहाँ पर जो है लार्ज स्पैन चाहिए और लार्ज वर्किंग एरिया चाहिए जहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलम्स नहीं हो। तो उन सबको कवर करने के लिए, ऊपर से कवर तो करना पड़ेगा क्योंकि बारिश और धूप से बचना है तो कवर तो करना पड़ेगा, तो कवर करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं वो रूफ ट्रस में ही आता है। अब बात करते हैं इसके कौन कौन कंपोनेंट है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो रूफ ट्रस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछता है, तीन चार कंपोनेंट है। पहला है राफ्टर बोलता है, राफ्टर कहता है कि राफ्टर क्या है। उसके बाद बताइए पर्लिन क्या है, पर्लिन, एंड थर्ड वन पूछता है स्टड्स, स्टड्स के बारे में पूछता है। ये तीन चीज़ें जो हैं, इन तीन चीज़ों के बारे में बहुत बार ये पूछा जाता है कि आखिर है क्या। तो देखिए, जो इसका डायग्राम आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि रूफ ट्रस, जैसा कि आप कहीं भी देखे होंगे, बनता कैसे है। तो एक एंगल होता है, लोहे का एक एंगल लगाता है, इसके ऊपर में कुछ कनेक्टर सप्लाई करते हैं, कुछ कनेक्टर सप्लाई करता है, इसके बाद से इसके ऊपर में शीटिंग कर दी जाती है। शीटिंग यानी कि या तो लोहे का कराकट लगाता है या फिर सीमेंटेड कराकट लगाता है। तो जो लोहे वाला कराकट है उसको कहते हैं हम लोग जी आई सीट, गैल्वेनाइज आयरन सीट, एंड जो सीमेंटेड वाला कराकट आता है उसको कहते हैं एसी सीट, एबेस्टोस सीमेंट कॉन्क्रीट का जो सीट होता है, सीमेंट का, सॉरी कॉन्क्रीट नहीं, एबेस्टोस सीमेंट का जो सीट होता है उसको एसी सीट, यानी कि जो सीमेंटेड कराकट होता है। तो यही दोनों में से किसी को हम लोग कवर करते हैं। आजकल तो प्लास्टिक वाला भी कराकट आ गया, लेकिन उसका हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो गैल्वेनाइज्ड आयरन या तो एसी सीट के लिए। तो इसमें जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें किस चीज़ को क्या कहते हैं, देखिए सबसे टॉप पर जो है ये पांच नंबर जिसको हमने लिखा हुआ है, इस पॉइंट को टॉप वाले को कहा जाता है रिज, RIDGE, रिज कहा जाता है, ये सबसे टॉप पर जो है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, जो ये सी बना हुआ है, यहाँ पर सी बना है, ये सी बना हुआ, ये सी बना है, इसको पता है, इसको कहते हैं हम लोग कनेक्टर्स इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये मेंबर है, बिल्कुल ये पाँच नंबर से लेकर के नौ नंबर तक, ये नाइन नंबर तक ये मेंबर है, पाँच से नौ तक, ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ना, इसको हम लोग शीट कहते हैं। ये जो होता है ये या तो एसी सीट होगा या फिर ये जीआई सीट होगा। ठीक है, ये सीट है ऊपर वाला, और जो इसका एंगल सेक्शन है, ये जो इसका एंगल जिस पर ये एसी सीट को हम लोग कवर करेंगे, जिसको हम लोग बेस बना कर रखे हुए हैं, इसको कहा जाता है टॉप कोर्ड CHORD, टॉप कोर्ड मेंबर कहा जाता है इसको। इसी टॉप कोर्ड मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? राफ्टर कहते हैं। यही टॉप कोड मेंबर को क्या कहते हैं? राफ्टर कहते हैं। हमेशा याद रखेंगे, राफ्टर पूछता है कि दो नंबर में डेफिनेशन बताइए, राफ्टर क्या है। ठीक है, तो यही टॉप कोड मेंबर को राफ्टर कहा जाता है। इतना समझ में आ गया कि ये सब क्या क्या है। अब जो इससे ये बॉटम वाला पार्ट है, बॉटम जो है यहाँ से जो कनेक्ट है, और लास्ट फर्स्ट पॉइंट यहाँ 10 नंबर से यहाँ से और ये 9 नंबर तक का ये जो लास्ट पूरा लाइन है, इसको कहा जाता है बॉटम कोड मेंबर। इसको कहते हैं बॉटम कोड CHORD कोड मेंबर, बॉटम कोड मेंबर कहते हैं, या फिर इसको मेन टाई के नाम से जानते हैं, मेन टाई के नाम से भी इसको जानते हैं, बॉटम कोड मेंबर या फिर मेन टाई, दोनों में से कोई भी हम इसको कह सकते हैं। फिर से मैं बता दूं कि ये टॉप कोड मेंबर हो गया। टॉप कोड कौन सा? तो ये पार्ट हो जाएगा टॉप कोड मेंबर, एंड ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ये क्या है? शीट होता है, या तो एसी सीट होगा या फिर जीआई सीट होगा। ये जो सी बना हुआ यहाँ देख रहे हैं, ये सब क्या है? कनेक्टर्स है। ये क्या है? कनेक्टर्स है। उसके बाद टॉप कोड मेंबर और बॉटम कोड मेंबर। अब बात करते हैं जो इसमें ये एंगल बने हुए हैं, इस सब का क्या क्या नाम है। इसमें देखिए, इसमें एक तो है स्टड्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
स्टड्स। स्टड्स क्या होते हैं, जैसे कि अब आरसीसी पढ़े होंगे तो कॉलम वहाँ पढ़े होंगे और इसमें पढ़ रहे हैं स्टड्स। तो कॉलम या फिर स्टड्स में डिफिनीसन पूछा जाता है क्या होता है, तो कंप्रेशन मेंबर इन फ्रेम। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, कॉलम बीम का कॉम्बिनेशन, स्लैब बीम कॉलम का अगर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर कंप्रेशन मेंबर जो होता है उसको कॉलम कहा जाता है, जो कि घर में पिलर देखते हैं उसको कॉलम कहते हैं, और ट्रस में जो कंप्रेशन मेंबर होता है, ट्रस में कंप्रेशन मेंबर को स्टड्स कहा जाता है। तो इस डायग्राम में जो स्टड्स हैं तो स्टड्स देखिए कौन कौन से हैं। मेन स्टड्स दो हैं, कौन कौन, 3, 11 और 7, 13। देखिए 3, 11 कौन से मेंबर है, मैं कवर करते जाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। 3, 11 ये जो मेंबर हो गया, ठीक है, और 7, 13 यहाँ पर आ गया, ये 7, 13 ये दोनों आ गए कौन से, मेन स्टड्स। इसको क्या कहते हैं, मेन स्टड्स कहेंगे। माइनर स्टड्स कौन कौन से हो गए, क्योंकि ये कंप्रेशन मेंबर है, माइनर स्टड्स कौन कौन से हो गए, देखिए ये हो गया 2, 10 और यहाँ पर 4, 15, दो यहाँ पर हो गए माइनर स्टड्स, दो यहाँ माइनर स्टड्स है, कौन कौन, 6, 16 और 8, 14। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो वीडियो को आप रिमाइंड कर लें, पीछे बैक जा करके फिर से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, दो हो गए आपके ये मेन स्टड्स और ये हो गए माइनर स्टड्स। स्टड्स क्या होते हैं, तो स्टड्स होते हैं कंप्रेशन मेंबर इन ट्रस। ट्रस में जो कंप्रेशन मेंबर होता है उसको स्टड्स कहा जाता है। हमने इसको बताया टॉप कोड मेंबर, ये हो गया हमारा बॉटम कोड मेंबर, ये हो गए स्टड्स। उसके बाद स्टड्स के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं क्या, स्लिंग्स। स्लिंग्स भी आपको दो तरह के हैं, मेन और माइनर। मेन स्लिंग्स कौन कौन से हैं, देखिए मेंबर नंबर आपको हो गए 5 और 15। मेंबर नंबर हो गए 5 और 15, ऊपर से 5 और 16, ये मैं कवर किया, 5, 15 और 5, 16 ये हो गए मेन स्लिंग्स। ठीक है, 5, 15, 5, 16। उसके बाद और कौन से आपके मिल रहे हैं मेंबर यहाँ पर, तो 16, 13 और 15, 11। ठीक है, 16, 13 ये हो गए, 15, 11 ये। तो ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ से एक मेंबर, ये यहाँ से ये मेंबर, यहाँ से ये मेंबर, यहाँ से मेंबर, ये हो गए मेन स्लिंग्स। ये इसको कहा जाता है स्लिंग्स। ठीक है, इसको हम लोग स्लिंग्स के नाम से जानेंगे। स्लिंग्स क्या कहेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, ये SLINGS, इसको स्लिंग्स कहा जाता है। स्लिंग्स ये भी है, स्लिंग्स ये भी है, ये भी स्लिंग्स है। ठीक है, तो ये जो मेंबर हो गए स्लिंग्स, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, स्लिंग्स कौन कौन से है यहाँ पर, स्लिंग्स हो गए आपके कौन से, तो 5, 15 मेन स्लिंग्स मैं लिख रहा हूँ, 5, 15 एंड 5, 15 के बाद आ गया 5, 16 और उसके बाद 15, 11 थे और 16, 13। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप इसको देख लेंगे कि ये कौन से, 5, 15, 15, 11, 5, 16 और 16, 13, तो ये सही चारों कौन से, मेन स्लिंग्स थे। माइनर स्लिंग्स कौन से हैं, देखिए माइनर स्लिंग्स कौन से हैं, तो 3, 10 ये जो मेंबर बचे हुए हैं, अब जितने बचे हुए माइनर स्लिंग्स में आ जाएंगे। देखिए 3, 10 मेंबर बचे, मैं इसको एक बार कवर किया, इसको मैं डीप से कर देता हूँ इसे, ये हो गए कौन से, माइनर स्लिंग्स। 3, 10 और कौन बचे हैं, 3, 15 बच गए, तो यहाँ पर ये बच गए, ये तो ये हो गया माइनर स्लिंग्स। ठीक है, तो माइनर स्लिंग्स हो गए 3, 10 और 3, 15। यहाँ पर बचा 7, 16 और ये बचा हुआ है आपका 7, 14। ये सब क्या हो गए, माइनर स्लिंग्स हो गए। ठीक है, तो ये सब इसके कंपोनेंट थे। कंपोनेंट में जो जो नाम थे, स्लिंग्स थे, स्टड्स थे, ठीक है, स्टड्स थे, स्लिंग्स थे, जो कि मेन और माइनर में आते थे, टॉप कोड मेंबर, बॉटम कोड मेंबर, ये सब के बारे में हम लोग देखें। ऊपर से देखिए एक और मेंबर बच रहा है, ये 5, 12 जो मेंबर है वर्टिकल, ये 0 फोर्स मेंबर है, इसमें कोई भी फोर्स नहीं आता है। इसको सैगिंग से बचाने के लिए यहाँ पर इस मेंबर को अप्लाई किया गया, यहाँ पर इसको लाया गया, क्योंकि सैगिंग वाला इसको बचाए मेन टाई। तो यहाँ पर ये जो होता है सैग टाई के नाम से इसको जानते हैं, इस मेंबर को सैग टाई के नाम से जानेंगे, SAG सैग टाई, इसको सैग टाई के नाम से जानेंगे। सैगिंग से बचाने के लिए इसको टाई किया गया है, सैग टाई इसको कहेंगे। इसमें कोई भी लोड नहीं होता, इसको हम लोग सैग टाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है इसमें टॉप कोड मेंबर, बॉटम कोड मेंबर, राफ्टर जनरली पूछता है, राफ्टर इसी को कहते हैं, टॉप कोड मेंबर को ही, एंड बॉटम कोड मेंबर इसको कहते हैं। ये आपका स्लिंग्स हो गया, स्टड्स हो गए। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं। कनेक्टर हो गया। अब देखिए एक चीज़ इसमें पूछता है पर्लिन क्या है, यहाँ पर पर्लिन के बारे में बताना चाहेंगे। पर्लिन देखिए क्या होता है, जैसे एक ट्रस हमने यहाँ पर बनाया, एक ये एंगल, एक ट्रस हमने यहाँ पर इस तरह से कुछ बना दिया, और इस ट्रस को दूसरा ट्रस से जोड़ा गया है बिल्कुल इसके पीछे। ठीक है, बिल्कुल इसके पीछे जोड़ा गया है, ये इसका हम कनेक्ट करते हैं रिज लाइन से। दो ट्रस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, स्पेसिंग कहा जाता है, इसको स्पेसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस एंगल को इस एंगल से जोड़ना होता है जिस
मेंबर के हेल्प से, जिस हॉरिजॉन्टल मेंबर के हेल्प से जोड़ते हैं, तो इसी मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, पर्लिन कहा जाता है। क्या कहेंगे, पर्लिन कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस मेंबर को पर्लिन कहेंगे। तो जितने भी यहाँ पर आप कनेक्टर्स इसमें देख रहे हैं, जहाँ भी ये कनेक्टर्स है, यहाँ कनेक्टर्स हैं, यहाँ कनेक्टर्स हैं, यहाँ कनेक्टर्स हैं, यहाँ कनेक्टर्स हैं, तो सभी जगह पर इसके पीछे क्या है, इसके पीछे सब में पर्लिन्स हैं, यहाँ पर सभी पर्लिन्स लगे होते हैं। उम्मीद है आपको पर्लिन समझ में आया होगा कि एक एक आगे वाले एंगल को दूसरे एंगल सेक्शन जो है ट्रस का, इसके दूसरे ट्रस से अगर जोड़ना है, या आपस में तो जोड़ना ही पड़ेगा, ऊपर से इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो एक हॉरिजॉन्टल बीम के हेल्प से इसको जोड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग पर्लिन कहेंगे, ठीक है। और ये होता है इसका, इसके बीच की दूरी को स्पेसिंग कहा जाता है। ये जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग जो है ट्रस के, दो ट्रस के बीच का जो स्पेसिंग है, ये डिपेंड करता है इसके स्पैन पर, ये स्पैन पर डिपेंड करता है। यानी कि स्पेसिंग जो होता है, ये हम लोग यूज करते हैं 3.5 से 4 मीटर यूज करेंगे, जब आपका स्पैन 15 मीटर तक का हो, जब आपका स्पैन 15 मीटर तक का हो, तो स्पेसिंग जो है 3.5 से 4 मीटर का यूज करेंगे। ये स्पेसिंग जो है 4.5 से 6 मीटर का यूज करते हैं, जब स्पैन आपका 15 से 30 मीटर के बीच का होता है, ठीक है। जब स्पैन 15 से 30 मीटर के बीच का होता है, तो स्पेसिंग जो होगा 4.5 से 6 मीटर के बीच में हम लोग यूज करते हैं। यही स्पेसिंग आपका 12 से 15 मीटर यूज करेंगे, जब स्पैन जो होगा ग्रेटर देन 40 मीटर का होगा, स्पैन जो होगा ग्रेटर देन 40 मीटर का होगा। अब स्पैन क्या है इसमें, तो इसके दो दो कॉलम के बीच की जो दूरी है ना, इसको हम लोग स्पैन कहेंगे। यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं। तो ये स्पैन पर डिपेंड करेगा कि हम स्पेसिंग कितना रखेंगे, ठीक है। स्पैन पर डिपेंड करेगा कि स्पेसिंग कितना रखना है। स्पेसिंग 3.5 से 4.5 मीटर तक रखते हैं, जब स्पैन अप टू 15 मीटर तक का हो, इससे कम स्पेसिंग नहीं रखेंगे, ठीक है। स्पेसिंग होता क्या है, तो ये चीज़ स्पेसिंग है, हमने आपको दिखाया, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें पिच। पिच क्या होता है, पिच होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, पिच क्या है, इट इज़ द रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ ट्रस, ट्रस का हाइट। जैसे कि यहाँ पर बात करें ट्रस का हाइट कितना है, तो जो सैग टाई आप देख रहे हैं, इसको हम लोग ट्रस का हाइट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें, तो ट्रस का हाइट कुछ इस तरह से होगा, इसका एच, इसी को हम लोग ट्रस का हाइट कहेंगे, एच मान लेते हैं, तो ये होगा ट्रस का हाइट। तो जितना भी इसके ट्रस का हाइट होगा, हाइट डिवाइड बाई स्पैन, जितना स्पैन होगा, इसके रेशियो को पिच कहा जाता है, ठीक है, इसके रेशियो को पिच कहा जाता है। और ये जो पिच है, ये पिच 1/6 होता है, मिनिमम पिच की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम पिच 1/6 होगा जब आप GI शीट यूज कर रहे हो, और यही शीट जो होगा 1/12 हो जाएगा जब आप AC शीट आप यूज कर रहे हो। GI मतलब लोहे का कराकट, AC मतलब सीमेंटेड कराकट, ठीक है। तो जब आप GI शीट यूज कर रहे हैं, तब 1/6 रखना है, 1/6 यानी कि हाइट और स्पैन का रेशियो, और यहाँ भी हाइट और स्पैन का रेशियो, जब आप सीमेंट वाला कराकट यूज करें तब के लिए। अगर आप स्नो लोड कंसीडर किए हुए हैं, तब प्रेफेबल जो पिच होगा, स्नो लोड अगर कंसीडर किए हैं, तो प्रेफेबल पिच जो होगा 1/4 यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है इसका। जब आप स्नो लोड कंसीडर कर रहे हैं, तब कितना होगा पिच, 1/4 है। जब स्नो लोड नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तब यही मिनिमम आपको देना पड़ेगा 1/6 के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसमें एक पार्ट और जोड़ते हैं कि टाइप ऑफ ट्रस कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ ट्रस जो है, कुछ 4-5 तरह के होते हैं। होवी ट्रस है, उसके बाद पैरट है, पैरट PRAT, पैरट ट्रस है, फिंग ट्रस होता है, किंग पोस्ट होता है, क्वीन पोस्ट होता है। तो इस सब का डायग्राम भी है, हमने यहाँ पर जानबूझ के नहीं बनाया है, कि आप कुछ थोड़ा मेहनत आप भी करें, ये सब का आप लोग डायग्राम ढूंढें, कि डायग्राम ये क्या होता है, होवी ट्रस के लिए पैरट ट्रस कैसा होता है, ठीक है, पैरट ट्रस ये कैसा होता है, कुछ इस तरह का इसका डायग्राम बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, तो कुछ मेहनत आप भी करें। तो यहाँ से आज का टॉपिक ये ख़त्म होता है, रूफ ट्रस के इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखें, तो रूफ ट्रस क्या है, इसका यूज कहाँ पर होता है, रूफ ट्रस का यूज कहाँ करेंगे, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, या फिर जहाँ पर स्पैन ग्रेटर हो, ग्रेटर स्पैन को कवर करने के लिए विदाउट इंटरमीडिएट कॉलम, हमें लार्ज स्पैन जहाँ पर कवर करना होता है, तो वहाँ पर हमें रूफ ट्रस की ज़रूरत पड़ती है। रूफ ट्रस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, टॉप कोड मेंबर जिसको राफ्टर कहा जाता है, पर्लिन, फिर स्टर्स, फिर स्लिंग्स, और बॉटम कोड मेंबर, ठीक है, उसके बारे में देखें। स्पेसिंग देखें कि इसका स्पेसिंग का स्पेसिफिकेशन कितना है, उसके पिच का स्पेसिफिकेशन कितना है, एंड टाइप ऑफ ट्रस के बारे में भी हम लोग जानें, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।